क्या पसंद क्या बातचीत होती है। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी जमील भाई, अभी हम आपके पास यहाँ पर आए हैं और आपको क्या मसाइल थे दो चार कुछ बताएंगे आवाम को। जी हाँ, आपका मेहरबान का शुक्रिया, आप मेरे पास आए हैं, हमारे भी कल भी आए हैं, हमारे भाई भी आए हैं। अभी यही मसाइल हमारे जो हैं फराम मलिक भाई ने हमारे साथ किया इस बार मामले के अंदर, कमेट के अंदर उनकी वजह से। फराम गनी भाई कौन? फराम गनी भाई हमारे चेयरमैन हैं, सेनेटर टाउन के चेयरमैन हैं और उनकी हिदायत के बाद नदीम भाई और वाइस नदीम भाई चेयरमैन नदीम भाई वाइस चेयरमैन एजाज जो हैं एजाज बनती कौन के, तो माशाल्लाह से हमारे ये भाई भी आए हैं मुझसे मिलने के लिए। अमान भाई, अमान भाई आए हैं हमारे पास। बताऊँ अमान भाई, तो पहली चीज़ ये है अमान भाई, आप मेरे पास आए, आपको तकरीबन आधे से ज़्यादा काम मुझे नदीम भाई के और फरहान भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और एजाज गलती ने मेरा काम करके दिया। कुछ मलबा पड़ा था, उन्होंने मलबा भी उठवाया, मुझे गाड़ी अरेंज करके दी, गाड़ियाँ भी दिया उन्होंने। कुछ डिस्पेंसरी का मलबा पड़ा था, वो भी मैंने उठवाया, और कुछ लाइटें भी बाकी हैं जो लाइटें हमारे जुलूस के खिलाफ है। लेकिन तो जुलूस के ऊपर लाजमी तो आगे डिस्पेंसरी आगे चले जाओ, कुछ लाइटें मैंने जब एलेंस के मतलब गाड़ी आई थी मैंने ऑन करवा दी, जो ऑन होनी थी उन्होंने ऑन कर दी, रिपेयरिंग वाले आए। बाकी जब डिस्पेंस से आप आगे सबिल से आगे चले जाओ तो बिल्कुल अंधेरा चाह रहा है यहाँ तरफ, बिल्कुल बल्तिस्तान के। हर साल कितना है इस साल जो है इंतजामिया का आप लोगों के साथ शुक्रिया? इस साल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फरहान गनी भाई का जो हमारे चेयरमैन हैं, और नदीम भाई का भी, और एजाज भाई का, और आज मेरे पास अमान भाई भी आए हैं। इलाके के एम पी ए मैंने क्या करा? हाँ जी, तो शुरू करते हैं एक नया व्लॉग एक नए दिन के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना असद अली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के अंदर, अंदर नहीं प्रेस क्लब के पास हैं, सॉरी मिस्टेक होगी। अभी हम जा रहे हैं आर्ट कौंसल, कश्मीरियों की जो है हमारे कश्मीर भाइयों की रैली है उसमें जो है हम जा रहे हैं, हमें कॉल आई है कि हमने वहाँ पहुँचना है, सब पहुँच रहे हैं, हमने सोचा हम भी पहुँचें और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर भी करें कि कहाँ मौजूद हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे हमारे भाई मौजूद हैं, दाऊद भाई। कैसे हैं दाऊद भाई? खैरियत से हैं। हमारे एक और भाई भी मौजूद हैं, अमित भाई। कैसे हैं आप? एक और भाई भी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा दाऊद भाई, मुझे बताएं कि क्या सीन है, प्रेस क्लब से अभी निकले हैं आर्ट कौंसल के लिए? आर्ट कौंसल की जो है रवानगी हो रही है, वहीं जा रहे हैं अभी, देखो क्या मामला हैं, देखते हैं अभी जाने क्या रिव्यू आ रहा है, क्या मैसेज आ रहे हैं। न्यूज़ एंकर वगैरह आए हैं बहुत सारे और हमारे अमान भाई भी साथ आए हैं, तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, अमान भाई जो हमारे यूथ काउंसलर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं की कॉल पे हम उनके साथ यहाँ पर आए हैं। वो हमारे सीनियर हैं भाई, हैं हमारे बड़े, तो आगे चल रहे हैं, वो उनसे भी बातचीत करवाएंगे, कुछ दोस्त वगैरह के साथ हैं, वो थोड़े बिजी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। अमान भाई थोड़े से मसरूफ़ हैं क्योंकि दोस्त वगैरह जो हैं साथ हैं उनके, तो इंशाल्लाह फ्री होंगे तो आपसे उनकी बातचीत करवाएंगे। और आज सुबह से ही गाइस जो है मशरूफ थे, दाऊद भाई भी थे साथ, मैं भी था साथ, अमान भाई भी थे, हमारे महमूदाबाद के काउंसलर हैं एजाज बल्ती बादशाह भाई वो भी थे, जमील भाई जो हमारे बंगश के इंचार्ज हैं बंगश कम्युनिटी के, 7 मुहर्रम को उनका जुलूस है, वहाँ पे सारी वर्किंग की है हमने, साफ़ सफाई के मामला देखे, लाइटिंग के मामला देखे, रोड कारपेटिंग भी इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगी, तो उसकी वीडियो वगैरह हमने बनाई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो उस वीडियो को देखें सबसे पहले जाके। Thank you.
वाली। तो भाई सोसाइटी वाली लाइन कहाँ है इसके अंदर, ये बता। अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसे आप देख सकते हैं 7 तारीख का जो यहाँ से जुलूस निकलता है बंगत से, तो उसकी प्रिपरेशन वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। इनके लाइटिंग का काम, जैसे कि ये अमान भाई हैं हमारे, ये असद भाई हैं, इनकी मेहरबानी से ये काम जमील भाई के साथ मिलके ये काम किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये लाइटें लग रही हैं। हमारे असद भाई, जमील भाई, इंशाल्लाह 7 मुहर्रम के जुलूस की तैयारी हो रही है अपने। एक लाइट जो है ना इस मस्जिद के ऊपर मैंने लगवानी है। इजाज़ नहीं है, इजाज़ दिख रहा है। अभी शहबाज के मेरे को फोन आया था ना, जी जी, तो ठीक, इस पर मैंने लाइट लगवानी है। अंधेरा होता है इनका मस्जिद में, इमाम बारगाह लगाएं, इमाम बारगाह ये ना एक यहाँ पे गोला भी लगा दी जरूर, जब आप लोगों का आता है तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हुआ होता है। वो तो हो गया, ये इमाम बारगाह अपनी मस्जिद है। अच्छा, हाँ, इसके लिए इन्होंने कहा था, और ये वाली बीच वाली लाइट ऑन करवा, वो वाली ऑन नहीं है, ऑन है वो। उनको भी ले, बच्चों को भी ले। जी जमील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फरहान गनी भाई का, हमारे जो चेयरमैन है, ठीक है, उसके बाद हमारे नदीम भाई हैं और एजाज भाई हैं हमारे साथ, अमान भाई भी खड़े हुए हैं, ठीक है, दारू भाई उनका मेरे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सफाई सुथराई लाइटिंग का बहुत काउन कर रहे हैं। रात तकरीबन 1:30 बजे तक हम सफाई भी करवाइए पूरे इलाके की, यानी जहाँ मतलब अपने नगर इमाम बाजा तक मैंने सारा सफाई कराई है। बाकायदा एजाज भाई का फ़ोन आया था मेरे पास और अमान भाई भी कल रात में मेरे पास मुलाकात करने के लिए आए थे, ठीक है, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खसूस हमारे चेयरमैन साहब फरहान गनी भाई, नदीम भाई और अमान भाई और एजाज भाई का मैं शुक्रिया, पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, यासीन बल्टी ऑफिस पर्सन हूँ TMC चनेसर का, मोहरम हराम कमेटी के हवाले से, हमारे टाउन कमेटी के मेंबर हैं जावेदी भाई, अमान चांडियो भाई हमारे यूथ काउंसलर हैं TMC चनेसर के, और जमील पंकज हैं, पंकज बालगा के सदर हैं। कल TMC चनेसर फरहान गनी भाई श्रीदेव सदर जो इजलास हुआ था टाउन में, तो वहाँ पर हमें फरहान भाई को और नदीम भाई को कुछ ऐसी कंप्लेंट हुई थी कि जिना टाउन के पास जो इमाम बारगाह है, चनेसर टाउन के जो बॉर्डर है और जिना टाउन का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो है वो जिना टाउन काम नहीं कर रहा है। तो चेयरमैन साहब की इंस्पेक्शन थी और वाइस चेयरमैन साहब की इंस्पेक्शन थी चनेसर टाउन की, कि हमारी जो टाउन कमेटी है जिसमें जावेद चेटी भाई हैं और मैं वो और हमारे यूथ के काउंसलर हैं TMC चनेसर के, कि भाई आप इन एरियाज को कवर करें, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का काम, सफाई का काम या जो भी ज़रूरी काम हो उसको आप करें। तो मैं शुक्रिया अदा करना हूँ चेयरमैन टाउन का, वाइस चेयरमैन टाउन का, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाउन में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। अब ये जिना टाउन का जो इमाम बारगाह है, मोहम्मदी इमाम बारगाह,
इसको हम स्ट्रीट लाइट्स लगा के रोशन कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम अदाखाना है हुसैनी जो है वो भी जिना टाउन में इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। इसी तरीके से जो है वो कुछ सफाई का काम है और इन्होंने किसान दिल की है इस मेहमान भाई के इस एरिए को पेश वर्क किया जाए। अगर बरसात नहीं होती तो वाइस चेयरमैन नदीम खाली भाई और चेयरमैन चिनेसर की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि पॉकेट को हम इंशाल्लाह पेश वर्क करवा दिया जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे आप भी कुछ बताएं कि आप चनेसर टाउन के काम से मुतमईन हैं, उनकी खिदमात से मुतमईन हैं। जी सर, सबसे पहले इजाज़ भाई और उनका टीम का सर शुक्रिया, और जिस तरीके से हमने बोला उसी तरीके से कितने हमने 3, 4, 5, 6 लाइट का बोला सब हमारे लिए लगा दिया सर सही तरीके से, हम शुक्रगुजार हैं। चले शुक्रिया, बोला सलाम ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, देख सकते हैं जैसे कि हम आ चुके हैं, सब भाई ये रहे सदई वगैरह ये रहे सब हम लोग आए हैं। ये रैली का इंतजाम चल रहा है, स्वागत करती है पाकिस्तान तमाम लोग फरीद भाई, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत आज हमारा मकसद बुरहान वानी की शादत के वजह से आपको पता है बुरहान वानी के नौजवान पढ़ा लिखा कश्मीर का रहने वाला है। आमिर का था उस किस्से अपना यार बेचारा बड़ा अपना शोर वाला बुरहान भाई का ख्याल करना और मेरा यार ये किसी को